हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी हेल्दी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। आज हम एक उड़िया रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जन्नी आलू पोस्तो। एक्चुअली जन्नी रिज गोर्ड को बोलते हैं या फिर तुराई। तुराई बहुत कम लोगों को पसंद आती है, बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन ये तरीके से आप बनाइए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी सब फैमिली में सबको ये पसंद आएगी। रेसिपी का स्टार्ट करने के लिए आपको 2 चम्मच पॉपी सीड्स या खसखस लेना है। उसको 1 प्याज और 1 हरी मिर्च के साथ और 2 चम्मच पानी के साथ ग्राइंड कर लीजिए। उसका पेस्ट साइड में रख दीजिए। अब आप तुराई और 1 आलू, 1 अनियन या प्याज को चॉप कर लीजिए। ये एक इंस्टेंट तरीका है। इसको 1 चम्मच मस्टर्ड का तेल या फिर सरसों का तेल डालिए कुकर में। 2 या 3 लीटर कुकर आपको चाहिए इसके लिए। 1 चम्मच पानी, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून पानी और 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अभी बीच में कुकर के सेंटर में चॉप्ड अनियन जो है उसको रखिए। फिर उसकी साइड्स में जो हमने तुराई किया है, चॉप करके रखा है, तुराई रखिए ताकि जब हीट करें हम इसको तो तुराई जो है वो ऑटोमेटिकली फ्राई हो जाए। फिर जो एक पॉकेट, छोटा सा पॉकेट आलू चॉप करके रखा है उसका बना दीजिए साइड पे, थोड़ी सी स्पेस आलू के लिए रख लीजिए। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें आप प्याज के नीचे जीरा डालना भूल गई थी, तो आप सबसे पहले जीरा डालिए तेल और पानी के बाद जीरा डालिए, उसके ऊपर प्याज डालिए। फिर इसके ऊपर जो हमने खसखस प्याज और मिर्ची का पेस्ट बनाया है अनियन प्याज के ऊपर डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर आप नमक, हल्दी, गरम मसाला या जो भी कोई मसाला आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। मैं इसको थोड़ा ग्रेवी के साथ बनाती हूँ, लेकिन अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद तो आप इसको ड्राई करी भी बना सकते हो। अगर आप इसको ड्राई करी बनाना चाहते हो तो आप, अगर जैसे ये मैं पानी डाल रही हूँ, कटोरी रखूँगी उसके अंदर, तो आपको उसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 1 चम्मच पानी ऑलरेडी डाला है और तुराई जो है वो वाटरी वेजिटेबल है, तो वो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए उतना ही ज़रूरी है। 4 विसल बजाना है, 4 सीटी के बाद एकदम से आप प्रेशर को रिलीज़ कर दीजिए और सब कुछ मिक्स कर दीजिए। मैंने पानी डाला है क्योंकि मैं इसको ग्रेवी जैसे बनाना चाहती हूँ, तो ग्रेवी जैसे भी अच्छा लगता है, सूखा भी टेस्टी लगता है, तो आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। प्रेशर याद रखिए, प्रेशर को एकदम से रिलीज़ करना है और फिर उसको कुकर को फिर से कवर करके रख दीजिए। अगर आप यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स, धनिया या फिर कसूरी मेथी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। डाल के कुकर को 5-10 मिनट के लिए बंद करके रख दीजिए ताकि जो भी फ्लेवर्स हैं सब पानी में मिक्स हो जाएं। आपकी रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।